हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप कि सही होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आप सभी के क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं, और ये है Q&A का पार्ट टू। तो एंड सॉरी गाइस फॉर लेट हो गया मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो गाइस एंड वीडियो थोड़ी अच्छी भी नहीं बनी है, तो उसके लिए भी सॉरी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तब तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूछा है सोशल वीरल्स ने, यानी हेरल ने, तो उनका क्वेश्चन है कभी किसी ने प्रपोज किया है। तो हाँ यार, दो तीन जनों ने किया था, बट रियल में किया था, वैसे प्रैंक किया था वो नहीं पता, मैंने रिजेक्ट कर दिया था। योर इंस्पिरेशन, देखो सही बताऊँ तो मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ सबसे अलग है, मैं अलग सोचता हूँ, सब कुछ अलग है देखो मेरा, क्योंकि कभी किसी ने ये मेरे बारे में पूछा नहीं कि मेरी लाइफ के बारे में क्या है, कैसे है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, कभी मैंने किसको बताया नहीं मेरी लाइफ के बारे में, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं। मेरे को ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लगा, तुमने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो लास्ट टाइम पिटाई कब हुई थी और क्यों? लास्ट टाइम तो यार हो गए होंगे 5 से 7 साल हो गए होंगे। हाँ डांट ज़रूर पड़ती है मुझे अभी भी, डेली पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, बट पिटाई तो यार बहुत साल हो चुके हैं, और शायद यार मैं मस्ती वगैरह करता रहता था इसलिए पिटती होंगी ज़्यादा मार। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करण स्पॉटिफाई ना गेमिंग ने, तो तुम्हारा सबसे इम्ब्रेशिंग, तो यार अब तक तो मेरा कोई ऐसा इम्ब्रेशिंग मोमेंट नहीं रहा, रहेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि यार याद ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में भी है, क्योंकि कुछ उस क्वेश्चन में थे तो और इस कुछ इसमें। तो इंडियन गेमर है, थर्ड क्वेश्चन, आपके कितने GF हैं? देखो गर्लफ्रेंड, देखो मेरी एक ही है, ठीक है, तुम लोगों को पता है मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, बाकी तुम लोगों ने बना रखे हैं कि मेरी 15 गर्लफ्रेंड है, 20 गर्लफ्रेंड है, बाकी मैं नहीं जानता यार। देखो मैं रखूँगा तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड रखूँगा, एक से ज़्यादा नहीं रखता मैं, ठीक है। हाँ बाकी तुम लोग देख लो यार कितनी बना रखी है तुमने। आप कितने क्लास में हो, पढ़ते हो? यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, शायद तुम लोगों ने मेरी पिछली वाली Q&A वीडियो नहीं देखी है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। आपका सबसे अच्छा सपोर्टर कौन है? यार ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार, मेरे को सपोर्ट सब लोग ही करते हो, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई सब कम सपोर्ट करते हैं, सभी तुम लोगों के प्यार की वजह से ही चैनल अच्छा हुआ है। और बाकी देखो मेरे अच्छे फ्रेंड्स करेंगे मेरे को ज़्यादा सपोर्ट, बाकी तुम सब लोग ही मेरे को अच्छे से सपोर्ट करते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सूरज चौधरी का क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, वो गर्ल जो तुम्हारी स्ट्रीम में आती है वो कौन है? भाई पहले तो देखो मेरी स्ट्रीम पे हज़ारों लड़कियां आती है, अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, किस गर्ल की बात कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि तुमने उसका नाम नहीं लिखा है, नाम लिखते थे तो मैं बता देता तुम्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैडॉक्स भाई ने पूछा है, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपकी फैमिली में? यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया तुमने यार, प्यार तो शायद सब भी करते होंगे मुझसे, बट मेरे को पता नहीं है, देखो मुझे नहीं पता सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, बाकी देखेंगे कोई करेगा तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वराज भाई ने, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? भाई देखो रियली बताऊँ, मैं किसी के बारे में बुरा कभी नहीं सोचता हूँ, तो ये मत सोचना कि भाई मैं कभी बुरा सोचूँगा। हाँ बाकी मैं 50-50 इक्वल रखता हूँ सबको, 50-50 की किसी में बुरी आदत भी है अच्छी भी आदत है, बाकी देखो मैंने कभी सोचा नहीं है। देखो हाँ गलतियाँ होती है, वो मैं सबके बारे में सोचता हूँ, बाकी तो देखो अब मैं क्या ही बोलूँ, अच्छे हो तुम, ठीक हो, ठीक ठाक हो, मतलब कुछ है आदत जो मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, बाकी तुम अच्छे हो, दिल से सपोर्ट भी करते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या करोगे अगर तुम्हारे रिलेटिव ने तुम्हारा चैनल डिलीट कर दिया? तो भाई देखो पहली बात तो रिलेटिव को तो मैं बीच में आने ही मत दूँ, हाँ बाकी फैमिली में से अगर किसी को लाते तो अच्छा मैं सोचता भी, रिलेटिव आप भी गए ना तो भाई तुम लोग जानते नहीं हो मेरा गुस्सा कितना तेज है, क्योंकि यार इस गुस्से को कोई कंट्रोल बहुत मुश्किल से कर सकता है, किसी को पता नहीं है अभी मैं किस टाइप का बंदा हूँ,
जिस दिन मैं गुस्सा करने लग गया तो संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे को। तो कोई 3 विश मांगो। देखो मेरी एक विश रहेगी, वो है मेरे ड्रीम्स पूरे करना। अगर मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो यार मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, और क्या चाहिए लाइफ में। बस मेरी ड्रीम के पीछे ही पड़ा हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। बाकी तुम लोगों का सपोर्ट है ही, तो तुम लोग ड्रीम पूरे कराओगे। अब ड्रीम मत पूछना मेरा क्या है, वो सीक्रेट है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं क्या यूट्यूब के लिए? देखो भाई, हाँ मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट मेरी कुछ रीज़न्स हैं, उस वजह से मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पाता है पेरेंट्स का। ऐसी बात नहीं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट मेरी भी रीज़न्स रह चुके हैं। तो 50-50 है इसका भी, कि सपोर्ट आधा करते हैं और आधा नहीं करते हैं। कॉलैब करेगा? थैंक यू, मैंने आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा। अरे थैंक यू ब्रो तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। देखो कॉलैब का, देखो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जो करूँगा अपने दम पर करूँगा। बाकी अगर देखो कॉलैब का है तो ठीक है, मैं एक बार सोचूंगा ठीक से, क्योंकि देखो मेरे पास कॉलैब के लिए, क्लेन में ज्वाइन होने के लिए कई सारे ऑफ़र आ चुके हैं, बट मैंने कैंसिल कर दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया का, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? देखो मैंने पिछली बार भी बताया था कलर और फूड के बारे में, शायद किसी ने मेरी Q&A Part 1 नहीं देखा है, तो एक बार वो भी देख लेना अच्छे से। फिर मैं बता रहा हूँ, जिया मेरा फेवरेट फूड है डोसा, और फेवरेट कलर कलर है ब्लैक एंड रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इशिता का, तो इशिता ने पूछा है विल योर हैव एनी गर्लफ्रेंड, और तुम अपनी पढ़ाई करने कहाँ जाना चाहते हो, और कौन सी स्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने चैनल तुम्हारे सबसे पहला मेंबर लाइक सबसे पहला सपोर्टर कौन था इमीडिएटली से बताना। बाय द वे कांग्रेस फॉर 500 सब्सक्राइब। पहले तो इशिता थैंक यू सो मच। देखो मेरी गर्लफ्रेंड, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। बाकी देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा ऑटोमेटिका कि मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो, क्योंकि देखो मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी भी वो कमी आती है मेरे चैनल पर। ठीक है, अब मैं सिर्फ इशारे से समझा रहा हूँ, तुम ना समझ पाओ तो समझ जाना कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन होगी। वो मेरे चैनल पे कमी आती है, ठीक है, क्योंकि यार देखो बहुत सी प्रॉब्लम भी रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है, बहुत कुछ रहता है, बट वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो मैं पढ़ाई करने के लिए मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहता हूँ। बाकी अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कहीं और बाहर जाके मैं पढ़ाई करूँगा। और देखो मेरे को सबसे ज़्यादा स्टेट वो पसंद आती है जहाँ पे मेरा कुछ रिलेशन रहता है, मतलब कनेक्शन रहता है, जिससे मैं मतलब मेरी लाइफ के बारे में कुछ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो स्टेट ज़्यादा पसंद हो जाती है। जैसे जस्ट लाइक जैसे अभी मेरे को गुजरात ज़्यादा पसंद है स्टेट, क्योंकि वहाँ पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती है, पीहू डिरपैक्स भाई रहते हैं, स्नेहा रहती है, स्नेहा की फ्रेंड वगैरह सब वहीं पे हैं, रानी हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे मुंबई भी पसंद है, दिल्ली भी पसंद है, बट सबसे ज़्यादा मुझे गुजरात पसंद है। ठीक है, एंड मेरा सबसे पहला मेंबर रह चुका है मेरे हिसाब से, देखो अगर देखा जाए तो ब्लेसी और रानी इन दोनों में से है। ब्लेसी रह चुकी है मेरी फर्स्ट चैनल की मेंबर सपोर्टर, बट कुछ रीजंस के चलते वो अब नहीं है हमारे चैनल पे, बट वो होती तो हमें अच्छा लगता, बट वही थी। वैसे हम रानी को भी मान सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि अब वो नहीं है ना। तुम्हारा करण भाई का क्वेश्चन हो चुका है, तो चलो ठीक है। मोहित भाई ने पूछा है, हाँ हाँ एक क्वेश्चन है, तुम्हारे रियल सरनेम क्या है? सरनेम, ऐसा सरनेम की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है, हमारे सर हमारे टीचर का नाम पूछ रहे हो। वैसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना। देखो मैं सरनेम नहीं बता सकता, थोड़ा रीज़न है, क्योंकि यार वो सरनेम मैं कई बार बता चुका हूँ यार, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, तुम लोग मजाक भी उड़ाते हो, तो ऐसा समझ लो मेरा सरनेम वैसे गोठवाल है, ये नाम भी मेरा जो सरनेम है गोठवाल भी है, ये हमारा गोत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया का, तो वेयर आर यू फ्रॉम? भाई मैंने ये भी बता चुका हूँ मेरी Q&A की Part 1 में, बट तुम लोगों को देखते ही नहीं हो यार, वो भी देख लो एक बार दिल से, अच्छा लगेगा मेरे को। तो वैसे मैं राजस्थान से हूँ मैं, तो शायद सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करेंगे, आई होप कि सबको मज़ा आया। तो गाइस मज़ा आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर रहो, सावधान रहो, और देखते रहना H.Goothwal को। तो गाइस
ऐसे ही मुझको सपोर्ट दिखाते रहना, और जल्दी ही हमारे 1K भी पूरे होने वाले हैं तो 1K भी करा देना। और कमेंट में ये ज़रूर बताना 1K पर हम क्या स्पेशल वीडियो करें, क्योंकि मेरा 500 सब्सक्राइबर पे था कुछ स्पेशल वीडियो करें, बट तुम लोगों की डिमांड पर मैंने क्यों वीडियो का ही रखा। तो गाइस 1K का भी एक बार बता देना कि क्या स्पेशल वीडियोज़ लाऊँ मैं, और जल्दी देखो मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस भी बनाने लगूँगा, ठीक है, और ऐसे सपोर्ट दिखाना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर रहो, बाय बाय रहो, मिलते हैं, लव यू ऑल।